सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नेहरू युवा केंद्र गढ़वा के तत्वाधान में रंका प्रखंड के थडीहा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलैया में रंका प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मोहित चौधरी के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छता एवं जल संरक्षण पर विशेष चर्चा कर बताया गया कि हमें अपने आसपास साफ सुथरी रखना चाहिए। हम लोग अस्वच्छता के कारण ही बीमार होते हैं। हमें शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण पर बताया गया कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल मात्र 1% ही है। हमें हमेशा जल का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि जल के बिना मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। हम सभी जल का दुरुपयोग किए तो आने वाली पीढ़ी को कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। हमें वर्षा का पानी का संरक्षण करना चाहिए, जिससे खाना पकाने या नहाने के लिए, शौच के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, मवेशियों की ज़रूरत के लिए उपयोग कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम समापन के दौरान छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक त्रिलोकी प्रसाद कमलापुरी उपस्थित थे। हजारों फीटर गड्ढा खोदेंगे फिर भी पानी नहीं निकलता राजस्थान में, सूखी पूरा ऐसे सूखा है वहाँ। यहाँ पर 100-200 फीट खोद दीजिए पानी निकलेगा, समझ रहे हैं ना? पानी का कीमत हम लोग जानना होगा। अभी से घर नहीं जानेंगे, खुद पानी बर्बाद करेंगे। मोटर चालू है, पानी बह रहा है तो बह रहा, क्या दिक्कत पड़ता है? लेकिन बूंद बूंद से ही क्या होता है, तालाब समुंदर पता है ना जी। 1 रुपया कुना रख के तो एक दिन कितना भर जाएगा पूरा। तो आप ये मत सोचिए कि हम 1 लोटा बचत करने से क्या हो जाएगा। 1 लोटा बचत भी करते हैं तो आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो आज से पानी आप लोग ऐसे बचत कर